प्रकाश रत्नपार की, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एलपीजी डिवीजन छत्तीसगढ़। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये था कि जो हिट एंड रन कानून को लेकर ड्राइवर बंधुओं में जो गलत फहमियाँ फैल रही है, वो लोग गुमराह हो रहे हैं कि ये कानून लागू हो चुका है। पर हम बताना चाहते हैं कि गृह मंत्रालय से जारी 8 जनवरी का जो पत्र है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह कानून अभी लागू हुआ नहीं है। यह कानून ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अधिकारियों से पूर्ण तरह से विचार विमर्श करने के बाद ही लागू होगा। इसमें संबंधित एजेंसियों की जो भूमिका रहेगी, उनके उनके साथ विचार विमर्श करने के बाद ही ये कानून लागू किया जाएगा। हम ये ड्राइवर बंधुओं से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया पे चल रहे कोई भी वीडियो, जो व्हाट्सएप में कोई गुमराह करने वाला वीडियो अगर आता है तो उसके झांसे में ना आए, और अविरत एलपीजी की आपूर्ति के लिए तेल कंपनियों को अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे कि आम जनता परेशान न हो, रसोई की आपूर्ति समाज में कंटिन्यू बेसिस पे चलती रहे। अभी 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 नहीं होना चाहिए, क्योंकि संयंत्र की परिचालन कुछ देर के लिए बाधित हुआ था, पर अभी संयंत्र का परिचालन शुरू हुआ है, एलपीजी का परिवहन भी चालू हुआ है, और हम ये आशा करते हैं कि ड्राइवर बंधु अभी हमने पूरा सहयोग देंगे और एलपीजी की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। और आज दिनांक में भी कोई मार्केट में ऐसा कोई बैकलॉग नहीं है, सबके यहाँ पे स्टॉक भी पर्याप्त है, और आने वाले समय में भी कोई एलपीजी की कमी मार्केट में नहीं रहेगी, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। मैं पंकज रत्न पारखी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एलपीजी डिवीजन।